आप सभी को इस ब्लॉग में हम ये बताएंगे कि हमारे और रोशन जी के बीच में किस बात पर झगड़ा हुआ था। प्लीज आप सभी इस ब्लॉग पर दूसरा प्यार दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कैसे लोग को गुड मॉर्निंग बोले। और आप सबसे पहले हम दिल से सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमारा ब्लॉग क्यों नहीं आया था वो आप लोग कल वाले ब्लॉग में बताए थे आप सभी को। और हम दोनों का मतलब झगड़ा क्यों, मतलब किस वजह से हुआ और क्यों हुआ आप सभी को इस ब्लॉग में बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग हमारी राशि को देखें क्या करिए। और राशि को सर्दी और खांसी यानी फीवर भी हो गया, इससे बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब खराब हो गया है ना बेटा। राशि ये उधर देख रही है बल्ब को। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम अच्छे से हैं। और आप सभी को हम ना हमारा और हमारे राशि के साथ का ब्लॉग आएगा क्योंकि रोशन जी तो वो तो है नहीं घर में और हम और हमारी राशि है तो हम राशि ब्लॉग बनाएंगे। और आप सब हमें ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करिए ताकि हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना सकें। जय महादेव कर दीजिए, यानी कैसे भगवान मतलब ना हमारा घर हमारे घर में मतलब पूजा हुआ था आप लोग जैसे हम लोग फर्स्ट पेमेंट आने की खुशी में इससे चर्चा कराए थे तो मतलब उस दिन से ये ऐसे करती है। और मेरे देखिए और इसका देखिए गुस्सा, देखिए गुस्सा करो बेटा, गुस्सा कैसे होता है गुस्सा, ये गुस्सा नहीं। जय महादेव बोलो, जय महादेव बोला बोला मम्मा को पालती है लाची। आओ ये देखिए राशि मार रही है मम्मा को। आओ गंदी लड़की है तू। और राशि को राशि देखिए राशि की राशि मम्मा को कितनी ज्यादा मार रही है। और ये देखिए क्या करिए राशि हम आ बेटा ऐसा नहीं करते ना। आओ तो एक मिनट राशि को पहले मतलब और ऐसे करें तो ये हमें ज़्यादा मार रही है। देखिए कितनी ज़्यादा है हर पट मतलब से क्यों किसी को मामा कुछ किसी को किसी किसी ओ नो। ठीक है तो अभी हम पहले राशि को देखिए हाथ में फंस मतलब उसमें फंस गया मठिया में तो पहले उसे छुड़ाते हैं और छुट गया। तो चलिए फिलहाल अभी राशि को पहले देखिए मेरा मेरे बाल कितना तोड़ लिया हाथों में। तो चलिए पहले भी थोड़ा राशि को भी पहले इसे थोड़ा देखते हैं कितनी ज़्यादा शैतानी होगी मेरी बच्ची। देख सकते हैं आप लोग बहुत शैतानी करती है राशि। अच्छा आप लोग बताइए कि हमारी राशि सर्दी वाली शैतानी कैसी है। देख सकते हैं तो राशि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी तो हम राशि को वहाँ पर देती बहुत ज़्यादा शैतानी करती है मेरा बाल को सर दर्द भी करने लगा मेरा। और हमने मतलब इधर सारा कपड़ा रोशन जी का जो था रूम में तो सभी एक जगह करके रखे हैं क्योंकि अब सारा सामान का हम एक जगह मतलब ट्रंक में रख देंगे ताकि अच्छे से रहे। इसीलिए तो ये थी हमारी राशि कैसे बतानी। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा है। अभी दो मिनट पापा जी बुला रहे थे तो इसीलिए वहाँ पर जाना पड़ा था। तो अभी हम जाते छत पर और छत पर ही आप सभी को सारा चीज़ें बताएंगे है ना राशि। चलिए छत पर। और राशि को छिछी इसके नाक में छिछी आ गया पानी क्योंकि सर्दी है नहीं चाहिए। छत पर जाकर मिलते हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं छत पर और यहाँ पर देखिए छत पर वो सब ही यानी कि सोन हम लोग बोलते हैं। एक सेकेंड बैठने दीजिए उधर। तो ये सारा सोन है जिससे मतलब कि हम लोग कपास बच्ची हमें कुछ नहीं करने देती है। तो चलिए फिलहाल रूम में ही सारा बात आप लोग को देखिए हमारी राशि कैसे कर रही है। तो चलिए रूम में जाके आप सभी को दिखाते हैं मतलब बताते हैं रूम में जाके। तो हम राशि को दे आए बाहर और मतलब अभी आप सभी को हम बताते क्योंकि छत पर गए थे तो मतलब हवा ज़्यादा बढ़ रहा था और हमारा माइक जो है यानी कि जो हम वीडियो बनाते थे ब्लॉग जिससे शूट करते थे वो भी ख़राब हो गया है। और अभी मतलब जितना मोबाइल में हमारा आवाज़ कैप्चर कर रहा है उतना ही आप लोगों को आप सभी को हाँ मेरा आवाज़ जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारा वॉइस कैसा जा रहा है प्लीज़। तो चलिए आप भी बताते मतलब ना हमारे और रोशन जी के बीच में किस बात से झगड़ा हुआ था प्रॉब्लम हुआ था सो हम बताते हैं। तो हमारे और रोशन जी के बीच में वीडियो लेके ही प्रॉब्लम आया था मतलब पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ था नहीं हुआ था पता नहीं बस वो उसके दिमाग में रोशन जी के
दिमाग में बस एक ही बात था कि तुम ब्लॉग नहीं शूट करोगी, नहीं बनाओगी, पता नहीं क्या सब बोल दिए थे कोई भी, इसीलिए तो हमने मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की कि अगर दूसरा कोई कुछ भी बोलता है हमें दूसरी की बात पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा कोई हो सकता है हमारी कामयाबी देख के जो हो सकता है जलन हो, ईर्ष्या हो, फलना, मतलब जो भी हो, या हमें हम ये नहीं कह रहे कि आखिर क्यों हम कुछ गलत करें तो माने ना, अगर हम गलत करते हैं तो वो हमें कह सकते थे कि तुम गलत कर रही हो, बट हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे ना। आप लोग बताइए कि हम वीडियो बनाना गलत बात है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो इसी बात पर वीडियो बनाने के लिए हो गया था प्रॉब्लम घर में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा जिससे कहते हैं। तो इसी वजह से ना मतलब हम ना ब्लॉग नहीं बनाते, और मोबाइल भी लेके रोशन जी मतलब उसी दिन मतलब झगड़ा हुआ था, मतलब हम ना मतलब उस दिन मतलब न्यू फ्रॉक पहन के और साड़ी पहन के ब्लॉग शूट किए थे, उसी दिन मतलब नाइट में ये सारा बात झगड़ा उगड़ा हुआ, और सुबह के 7 बजे रोशन जी फिर जहाँ से मतलब कंपनी आए थे मतलब भी किसी कंपनी बैंगलोर फिर वहीं चले गए हैं। तो इसीलिए अभी तक तो फ़ोन तो नहीं किया है क्योंकि गुस्सा है, क्योंकि हम उनको बोले कि आप अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं और कुछ नहीं, अगर हम अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं क्या गलत है तो आप बोलिएगा, बट वो तो ऐसा बोल ही नहीं रहे, बट वो बोल रहे हैं कि तुम ब्लॉग नहीं बनाओगे तो हम वो बोले कि हम मोबाइल हम दिए हैं तो ले, हम बोले ले लीजिए अपना मोबाइल, हम अपना लेके हम खुद बना रहे हैं, सो हम अपना मेहनत हम करेंगे और हम अपनी राशि के भविष्य के बारे में सोचेंगे अच्छे से। तो आप लोग बताइएगा कि हम सही किए या गलत पति हैं, तो हमारा इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना ब्लॉग बनाने से, इससे क्या हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम सही किए हैं गलत किए हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग में बस यहीं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। ओके, लव यू ऑल गाइस, बाय। आप सब हमें इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए।